जो जो भी मांझी साहब को नहीं मानते वो हाथ ऊपर करे। एक दो तो हो ही जाते हर सत्संग में, कोई बात नहीं। ये इसीलिए कि आपका ध्यान बिल्कुल है कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा अब जो जो भी मांझी साहब को मानते हैं ऐसे सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे। सभी लोग मानते हैं, मैं मीठी मीठी ताली चाहूंगी अगर मांझी साहब को जो जो भी मानते हैं। यहां से भी मैं हमारे बुजुर्ग बड़े जितने भी बैठे हैं, मैं तो हाथ नीचे रखोगे तो मेरा बिल्कुल मन टूट जाएगा। एक बार आपकी तालियों के साथ गाना चाहूंगी, उठाए दोनों दोनों हाथ। मैं तो होयोरी दीवाना तारा नाम रो, मैं तो होयोरी दीवाना तारा नाम रो, राती जो गोरी दी राहू तारा नाम रो। मैंने सिर्फ आधी लाइन कहा था लेकिन उन्होंने पूरी लाइन गा ली। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कलाकारी कलाकार बैठे हैं सब, क्योंकि मेरे आगे वाले होश में हैं तो पीछे वाले भी जोश में हैं। मेरे आगे वाले होश में हैं तो पीछे वाले भी जोश में, और आगे बैठे महाराणा प्रताप तो पीछे बैठे सुभाष चंद्र बोस हैं। मैं निवेदन करती थोड़ा सा आवाज को खोलकर आप लोग गाएं, क्योंकि आगे आगे वालों की आवाज आ रही है। पीछे हमारे बाबूजी बड़े आनंद के साथ भजन सुन रहे हैं, आप सभी लोग गाएंगे। कि मैं तो होयो रे दीवाना तारा नाम रो, मैं तो कि राती जो गोरी दी राहू थारा। हमारी माता बहनों की आवाज सुनिए, सुर में गाती है कि नहीं गाती देख लीजिए। कि राती जो गोरी दी थोड़ी माता बहने बिल्कुल मारो तो नाक राख लीजो थोड़ा जोर हूं। कि राती जो गोरी दी राहू थारा, कि राती जो गोरी दी राहू थारा, कि राती जो गोरी दी राहू थारे, कि मैं तो होयो रे, मैं तो होयो रे दीवाना तारा नाम रो, राती जो गोरी दी राहू थारा नाम रो।
आपके भजन में खड़ी होकर गई थी। आप बैठेंगे मंच के ऊपर, कहीं नहीं जाएगी, बाद में मेरी, जब तक मेरी सिक्वेंस पूरी नहीं होगी तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। एक बार बजाए लहरू भी के लिए तालियां। इसके बाद मेरे भजन में वो नाचेंगे, हर जगह नाचते हैं। मेरे छोटे भाई हैं, हमारे समाज बंधु, हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसा युवा कलाकार जिन्होंने पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से उनकी पहचान बनाई मास्टर सलीम के जैसा। बालोतरा वालों की ओर से 500 रुपए का मुझे इनाम दिया गया, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और आना मंडली री पीड़ती पुरस्कार। इसका मतलब है मुझे तिवरी वालों ने आशीर्वाद दिए। एक बार आपकी खुद के लिए ताले बजा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान का कोई भी कलाकार अगर इस मंच के ऊपर आ जाए तो यही प्यार आप सभी लोगों का मिलेगा। ऐसे ऐसे ये भक्त, एक बार आप भी ताले बजा दीजिए, जितने भी ट्रस्ट कमेटी के मेंबर हैं। कलाकारों को और कुछ नहीं चाहिए, पैसे दो नंबर की चीज है। ठीक है, आज नोटबंदी के माहौल में चाहिए हूं। नोटबंदी के माहौल में तो चाहिए ही, और फायदा हम कलाकारों को बहुत हो गया है। जो 1000 की देने वाले थे, अब 2000 की नोटें हमें दे रहे हैं। फायदा कलाकारों को भी हुआ है। मैं तो गुजरात में जन्मी और गुजरात के हमारे शेर नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार जोरदार ताले बजा दीजिए। सबको हिला के रख दिया। इसके बाद मैं देशभक्ति भी सुनाऊंगी। आप किन किन लोगों ने मेरा देशभक्ति गाना सुना है, क्या बात है। बाद में थोड़ा सा माहौल बन जाए।